तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लीजिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इतिहास का पेपर जो कि आपका वार्षिक परीक्षा का है और ये आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं मार्च अप्रैल में 2023-24 का। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश के जितने भी आप जिले हैं तो आप लोग के लिए ये पेपर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का जो भी राज्य का पेपर होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए पेपर दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, कक्षा 11 वालों के लिए इतिहास का पेपर है जो कि आपका वार्षिक पेपर 2023-24 का। ठीक है, यहाँ पर मार्च अप्रैल में आपके पेपर होने वाले हैं, तो यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पेपर जो कि आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक एक में सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आप इनको अच्छे प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक एक आपका हो चुका है, वीडियो को रोक के आप लोग लिख लो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो आपका इधर आता है, इसमें आपको 7 नंबर देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 देखने को मिलेंगे, उनके उत्तर आपको कर लेना है अपनी परीक्षा दिन में से। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये आपका दूसरा प्रश्न क्रमांक हो। इसके बाद देख लीजिए आपका आता है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीन। प्रश्न क्रमांक तीन आपका यहाँ आता है, इसमें आपकी जोड़ियाँ हैं, इसमें आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग इनको कर लो। ठीक है, इनका मोबाइल ले लीजिए, इनका मोबाइल से अपने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आपका चौथा, इसमें देखिए सत्य असत्य हैं, इसमें आपके 1 से लेकर 6 नंबर देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए 1 से लेकर 6 तक हैं, तो 6 नंबर आपको सत्य असत्य में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका पांचवा आता है, पांचवा देखिए पढ़ के बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जल्दी से जल्दी इनको याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्रमांक 5 में देखने को मिलेंगे, ये आपके 5 प्रश्न क्रमांक 5 भी कहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक छठवा आता है, छठवें से देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 7 8। ठीक है, इनके अधवेक हो जाएंगे, इनको कर लेना, 2 नंबर केस में मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 9वां देख लीजिए, यहाँ पर 10वां है, 11वां है और 11वें के बाद 12वां है और इसके अधवा का है। देख लीजिए यहाँ पर 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12वें के अधवा का आप लोग ये देख लीजिए। इसके बाद 13वां और 14वां ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर है आपका। इसके बाद ये आपका 15वां देख लीजिए, 15वां है, 16वां, 17वां और ये 18वां। ठीक है, 18वां भी देख लीजिए अथवा का, यहाँ से पूरा का पूरा पेपर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 18 से लेकर 19-20 तक आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपके लास्ट 3 क्वेश्चन और हैं, 21वां, 22वां, 23वां जो कि आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपके हो जाएंगे। ये अथवा का है 23वें का। तो यही था पूरा का पूरा पेपर जो कि आपको दिखा दिया है, देख लीजिए यहाँ पर सेट सी आएगा आपका, और ये पूरा का पूरा पेपर आपका हो चुका है। ठीक है ना, इतिहास का पेपर था कक्षा 11 वालों के लिए 2023-24 का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।